होने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं या स्पीड ब्रेकर होने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, म्यूनसिपालिटी सबसे पहले ये बताए। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि म्यूनसिपालिटी का जो कार्यभार है वो मनमाना कार्यभार मनमर्जी से चल रहा है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसई विरार महानगर पालिका किस तरह से कार्यभार करती है, किस तरह से काम करती है, इसका एक नमूना हम आपको दिखाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ पर कुछ रोड खुदा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल ये जो रोड खुदा हुआ है, यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर था, उसको खोदा गया है। ये एरिया है वसई वाबोला से बंगली जाने वाला हुसैनी कॉलोनी के पास का एरिया। यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर था, वसई विरार महानगर पालिका ने वो स्पीड ब्रेकर डाला था और वसई विरार महानगर पालिका ने उसी स्पीड ब्रेकर को आज भी निकाला है। ये आप देख सकते हैं पीछे स्पीड ब्रेकर का मलबा भी वहाँ का जस का तस पड़ा हुआ है, महानगर पालिका ने JCB लगाकर हटाया है। ऐसा कहा जा रहा है कि कल रात को यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक किसी की जान गई। बराबर है, अगर एक्सीडेंट होता है, किसी की जान जाती है तो उसके लिए हमें भी खेद है, लेकिन उस एक्सीडेंट के लिए इस स्पीड ब्रेकर को जिम्मेदार बताया जाकर स्पीड ब्रेकर को तोड़ दिया गया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। यह व्यस्ततम रास्ता है, आप खुद देख सकते हो, सैकड़ों गाड़ी दिन भर यहाँ से निकलती है। पूरा रास्ता ये कर्व है, घुमावदार रास्ता है, जहाँ पर काफ़ी स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत थी, उसी के मद्देनज़र स्पीड ब्रेकर डाला गया था। अब जो बात कही जा रही है कल के एक्सीडेंट की, ये स्पीड ब्रेकर से हम यहाँ से शुरू करें। यहाँ स्पीड ब्रेकर था, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हम कदम मापते मापते अगर जाएंगे तो 27 कदम दूर ये इस जगह पे, ज़रा तेज चलिए, 27 कदम दूर इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था। ये इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पर एक्सीडेंट होने वाली जगह पर ये खून था। यहाँ खून के ऊपर इस तरह से धूल मिट्टी डाली गई है, वो खून था यहाँ। यानी कम से कम 20 मीटर की दूरी पर यह एक्सीडेंट हुआ था, तो इसके लिए कोई स्पीड ब्रेकर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? और अगर स्पीड ब्रेकर जिम्मेदार है तो उस गाड़ी की स्पीड क्या रही होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। वसई विरार महानगर पालिका ने बिना सोचे समझे ये स्पीड ब्रेकर निकाला। अगर इसकी वजह से अब अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो क्या वसई विरार महानगर पालिका उसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या वो इंजीनियर प्रकाश साटम इसकी जिम्मेदारी लेंगे? मैंने प्रकाश साटम से बात की, इंजीनियर से, डेप्यूटी इंजीनियर है, तो उन्होंने बोला एक्सीडेंट हुआ था, इसके लिए हमने निकाला। बराबर है, एक्सीडेंट हुआ था और अगर गलत हुआ हमको खेद है, मैंने पहले ही बोला एक्सीडेंट हुआ, किसी की जान गई तो उससे खेद है। लेकिन अगर इस स्पीड ब्रेकर की वजह से एक्सीडेंट हुआ तो वसई विरार में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों स्पीड ब्रेकर है, हर एक स्पीड ब्रेकर को निकाला जाना चाहिए। तो वसई विरार महानगर पालिका का कार्यभार कैसा है आप देख सकते हो, बड़ा बस्ती क्षेत्र है यहाँ। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जब रिक्शे से उतरते हैं, बस से उतरते हैं और क्रॉस करते हैं रास्ता, तब अगर एक्सीडेंट होगा तो कौन जिम्मेदार, क्या मापदंड है, किस मापदंड के आधार पर यह स्पीड ब्रेकर निकाला गया है? वसई विरार महानगर पालिका को इसका जवाब देना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि ये जो स्पीड ब्रेकर है ये यहाँ पर लगाया 6 महीने से, स्पीड ब्रेकर बनाए 6 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, यानी आजकल में डाला गया नहीं था कि अचानक से यह हादसा हो, 6 महीने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी बात, पिछले साल आकन क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ था, तब महानगर पालिका के यही इंजीनियर प्रकाश साटम ने वहाँ पर इमरजेंसी में स्पीड ब्रेकर डाला दूसरे ही दिन, ये बोलकर कि स्पीड ब्रेकर नहीं है, इसके लिए एक्सीडेंट हुआ। तो अब मुझे इंजीनियर ये बताए कि स्पीड ब्रेकर नहीं होने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं या स्पीड ब्रेकर होने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, म्यूनसिपालिटी सबसे पहले ये बताए। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि म्यूनसिपालिटी का जो कार्यभार है वो मनमाना कार्यभार मनमर्जी से चल रहा है। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786